हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पूछो कैसे हम नहाते हैं डीजे। वो वक्त बहुत ही अच्छा था जब मैं एक छोटा बच्चा था जो तकता था, वो कहता था यार अब मैं कितना सच्चा था। और वक्त ने एक बार फिर हमें लाकर उसी दौराहे पर खड़ा कर दिया जहां पर तशरीफ लाते हैं मिस्टर वासे। आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेंशन खूब कर दियो, सेब रखी लगदा मुंह नूं ताला लाया। माशाल्लाह खूबसूरत हीरो आदमी हमारे। तो मुझे पता है ओ हीरो जिन्हें कहना हीरो चावा बढ़ दो। उर्दू बाजार खीरे बेचनी है मुझे। खैर अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इजाजत की मतलब झाड़ू देना साहब, तुम मालक हो शो तो अपना शो है, चलो बाहर। मुझे एक बात बताइए, एक चीज मैंने नोट की है, शायद आप लोगों के साथ भी होती होगी जी जी, कि SMS मार्केटिंग अब बहुत चल पड़ी है। मुख्तलिफ इकसाम के आपको SMS आ रहे होते हैं, लेकिन एक SMS बड़ा यूनिक जो कि मुझे तो कुछ 7-8 दफा आ चुका हुआ है कि आप एक मुस्तहक खातून हैं और आप बेवा हैं और आप और आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नंबर निकल आया है, तो आपके महीने के इतने पैसे होंगे, तो आप फला नंबर के ऊपर कॉल करिए। तो आप लोगों के साथ कभी हुआ इस किस्म का कोई? मुझे कब करके पैसे फंडने से केड़े गल्ला जी पे। सर खवातीन को ज्यादा मैसेज आते हैं ये। इन्हां नूं क्यों आया इन्हां दी मतलब की लिखा नहीं शनाख्ती कार्ड ते? हो सकता है लिखा हो वासे चौधरी जिंस फुफी। है कि ना मैंने कोई फॉर्म भरा, ना मैंने कोई इस किस्म का अप्लाई किया, और उसके बावजूद ये SMS मुझे कुछ 7-8 दफा रैंडमली मुख्तलिफ नंबरों से आता है। मुझे स्कैम है, एक बड़ा फ्रॉड है। Exactly. और अक्सर लोग इसे फंस भी आते हैं क्योंकि आप जब उस नंबर पे कॉल करते हैं तो फिर एक आगे सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी आपने एक तो कॉल की तब आपका बैलेंस चला जाएगा, या फिर वो फंसाते हैं कि अब आप इस जगह पे जाकर पैसे जमा कराएं, इस अकाउंट में जमा करा दें, या खुदा जाने क्या। तो ये आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस हुआ? 25,000 भी आ जाए तो जो मर्जी आवे नो प्रॉब्लम। बहुत से लोग हैं जो कि वाकई मुस्तहक हैं और जो इससे मुस्तफीद भी होते हैं। बिल्कुल। उसको आप टारगेट करके उसको भी आप खराब कर रहे हैं बीच में, मतलब कोई और तरीका सोच लो यार स्कैम करने का, ये ही मिला है। ख्याल से ऐसे सवालों का जवाब उनसे पूछते हैं जो वाकई बेनजीर इनकम प्रोग्राम को देख रही हैं। क्या क्या जी है? पाकिस्तान मुस्लिम नून से उनका ताल्लुक है और हमारी रेगुलर गेस्ट भी हैं वो। मारवी मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे? वेरी गुड थैंक यू। सियासत में ना होती तो फिल्म स्टार होती। वो तो होती होती यकीनन होती। आज आपने पहली बार ब्लैक पूरा नहीं पहना जी, तब्दीली आ गई है क्या? शुक्र उस तरह की तब्दीली नहीं आई है। तो इस तरह तो की आ उस तरह की तब्दीली पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। वैसे वो भी वो तो अपनी तब्दीली में 8-9 महीने नहीं काट सके। मगर वैसे तुम न्यू ईयर रेजोल्यूशन और समथिंग? नहीं, मैंने कहा कि थोड़ा कलर होना चाहिए। यानी 2016 वो रंगीनियों का साल है। बहरे बहरे हो जाएंगी देश में। अच्छा जी। हाँ जी, हर पासे पुल बन रहे हैं। अच्छा, लाहौर डबल मंजिल हो रहा है। आबादी को भी तो कंट्रोल करना ना वासे भाई, नीचे वाले रश हो गया, आबादी आबादी ऊपर रहेगी। अच्छा, मैं तो मोटरवे पे भी छत पाउन लगा। सोचें अगर ये मोटरवे नहीं होता, सोचें अगर ये मेट्रो नहीं होता, सोचें अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आप किस पे जाते, कहां जाते, करते क्या? ये बात है। ये मानना कि मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की हुई है सर। यस। और बड़ी तब्दीली आई है, अभी ऑरेंज ट्रेन बन रही है ना सर। हाँ। टिकट के साथ है कि किन्नू भी मिलेगा। ऑरेंज ट्रेन भी पहले बंद तो जाए। किन्नू मिलेंगे और उनको मिलेंगे। हम एक्चुअली एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिस्क के थ्रू, और वो हम फ्रूट ट्रीज लगा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी हमें हेल्प कर रही है ताकि उसका फ्रूट फिर जो सबसे ज्यादा गरीब है इस मुल्क के वो खा सकें। अब सोचें अगर हमने इस्लामाबाद में फ्रूट ट्रीज लगाई होती है, वो दूसरे दरख्त नहीं लगाए होते, तो इस वक्त सब अस्थमा के शिकार नहीं होते। तो अब ये इसको कहते हैं चेन। जेड़ा पहले फल होता वो बाहर क्यों भेज दे जी? कौन सा बाहर भेजा? हमारे यहाँ जितना मैंगो हमारा मैंगो तो लंदन से मिलता है। किन्नू और वो आम वगैरह की बात आपको भी तो मिलता है। वो मैंगो सिर्फ बाहर तो नहीं जाता, वो मैंगो बाहर जाता। अच्छी चीजें बाहर जानी चाहिए ना। जरा संभल के
चीज होती है, आपको यहाँ भी मिलता है मगर एक्सपोर्ट भी होता है, वहाँ आपकी स्पेशलिटी है मैंगो। हमारे मुल्क में 52 किस्म का फल होता है माशाल्लाह, केला सेब ते 50 किन्नु। तो हो रही है ये मानने वाली बात है। वेलकम करती हूँ आपकी तरफ से, आप क्यों नहीं थोड़ा सीखते हैं? मैंगो मैंगो तरक्की तरक्की तरक्की। मैंने 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 बताया इनको। ये ऑरेंज ट्रेन चलेगी, ओए ओए बहुत फायदा होगा। नहीं ये पकड़ते जब अच्छी बात करते हैं यूं कान नहीं पकड़ते, प्लीज। ये जो ऑरेंज ट्रेन बन रही है उससे बड़ा फायदा होगा। ढाई लाख बंदा रोज सफर करेगा सस्ता 20 रुपए में, वाह। और जो 2.5 करोड़ बंदे को दमा होगा उसको मेडिसिन कौन देगा? वो जो मिट्टी से कारोबार तबाह हो रहा है। एक सेकंड, इस वक्त माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, दवाइयों की। दवाइयों की है। लगे हाँ तो सीरियस बात कर रहे हैं, आपको सीरियस बात सीरियस हो रही है? चले सीरियस, मैंने तो सुना है आप कभी सीरियस होते ही नहीं। हाँ यार अगर वो कह रही हैं तो सीरियस मुंह बना ही लो। अच्छा हाँ, आप बता रही थी कि प्राइम मिनिस्टर जी एब्सोल्युटली, तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है एब्सोल्युटली, उससे जो है इतने सारे जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा, मुफ्त इलाज होगा। तो इसी बेसिकली जो अभी इसका आफ्टरमैथ होना है बंदे के दरमियान जो ये बता रहे हैं कि ये तो एग्जैजरेशन गलौर है ना, मतलब ये तो माशाल्लाह मजाक रात है, हम तो सीरियस बात कर रहे हैं। सीरियस गल कहते हो, डीजे वाली बैठक खोल लो थे बैठे। पहले आपने मुझे ये कपड़ों वाली बात क्लियर नहीं की थी, ये ब्लैक शेड ऑफ ब्लैक आप जानबूझ के रखती हैं इन योर क्लोथ्स? नहीं, काफी टाइम से ब्लैक खत्म हो गया, आप थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज खत्म हो चुकी है ये वाली कोई। बट आई वॉन्ट टू गेट टू द इज ब्लैक अ फेवरेट विद यू? या इट वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कलर पैलेट में कहीं ना कहीं ब्लैक अभी भी आ रहा है। चले आप इतना ऑब्सेस्ड हैं ब्लैक के साथ, मैं क्या करूं? नहीं मैं तो असल में ब्लैक में जिंदगी पहन के बैठो, चौथे शो में आपने ब्लैक का टिंच दिया तो वासु भाई मैं बता दो, व्हाइट कलर है, ब्लैक जब पहनती है तो लगता है चांद निकल रहा है। अच्छा बड़ी एक तगड़ी टीम है, मुझसे को सीखें। लेकिन साथ चूंकि एक्सरसाइज करती हैं इसलिए लगता है कि पहली तारीख का ही चांद है। आजकल एक नई ग्रीन टी निकली है, वो ग्रीन टी इतनी जबरदस्त है, गुड फॉर वेट लॉस एंड गुड फॉर एवरीथिंग। तो कहां है आपकी शॉप? यार वो बता रहे हैं कि वो हल बता रही हैं आपको। आपका वेट, खैर आप तो ना ही पिया करिए, वेट कम हो गया तो आप किधर निकल जाएंगे? चढ़ा वेट है, वजन वाली मशीन पे चढ़े तो हसन डे साहब भी वैसे चाय के काफी मुखालिफ है। एक जमाने में मुझे याद है 98 में जब एटमी धमाके हुए थे तो उन्होंने कहा भी था, उन्होंने एक स्टैट बताया था कि इतनी ज्यादा चाय पी जाती पाकिस्तानी कौम, तो उन्होंने कहा था कि जरा कम करिए। तो आई एम ग्लैड कि आफ्टर 15 ईयर्स आपने उसको एक कन्वर्जन देकर ग्रीन टी की तरफ ले। इसमें अंडरलाइन फीचर क्या है? एटम बॉम्ब। अच्छा yes, इसको एम्फसाइज मतलब आपने चाय और ग्रीन टी के अंदर से भी एटम बॉम्ब निकाल दिया? आपने खुद ही निकाला। चाय के साथ एटम का इस्तेमाल इस तरह, सेब वाला बम लो चाय डुबो के खाओ। सुकून नहीं आया मैनू किसी का फोन नहीं आया, हरदी आ गई जागिया पीड़ा सौदिया तो तून नहीं आया, जे ना चलन गाने समझो जलसे विच जनून नहीं आया। टेंशन के बाद मैं आपको शेर सुनाता हूं। ये क्या था? वेलकम बैक टू मजाक रात। मावी लास्ट टाइम आप जब शो पे आई थी तो यहाँ पे एक पेशन गोई हुई थी जिसमें आपने कहा था कि जल्द ही शायद शादी होने वाली है और कोई बब्बर शेर आने वाला है। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। मगर आपने उसको डिनाई नहीं किया? मैंने पूछा था बब्बर शेर, तो उन्होंने कहा था जी बब्बर शेर जी। बात खत्म हो। मुझे ये बताइए कि इसको लंबा खींचने की क्या जरूरत? अच्छा चले शॉर्ट में बताइए कि कोई शेर आया। शेर ही शेर है, पीएमएल नून शेर ही शेर। तो उनमें से कोई शेर नुमाया हुआ? देखिए इस तरह की बातें ना करें, ये सारी चीजें अल्लाह साईं के हाथ में होती है। बिल्कुल, और उसको खामा हमसे डिस्कस करना फजूल बात। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि सब चीजें अल्लाह के हाथ में होती है, अगर जहन बने तो मेरा ख्याल जरूर रखिएगा। जब हो जाएगा तो चांद चढ़ता हुआ सारा कुल आलम देखेगा। बिल्कुल, तो टेंशन के बाद मैं आपको शेर सुनाता हूं। ये क्या था? ये थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। असल शेर है, गैस भी नहीं आती, लाइट भी नहीं आती, इसलिए भुखा रहा रेंज का हो गया। नहीं मगर
अच्छा, तो आप कहना चाह रही कि ये कोई मामला नहीं था, ये पिछली बार एम ही है एक बात हवा में उड़ी, देयर इज नथिंग लाइक दैट, या यू बिलीव के 2015 वाज नॉट द ईयर फॉर दिस? जैसे आपको पहले भी कहा, मैं वापस दोहराना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो है अल्लाह साईं के हाथ में होती है। नहीं बिल्कुल, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन वैसे मतलब कुछ इंसान की भी मर्जी होती है ना कि अल्लाह साईं बेहतर करे। अल्लाह साईं बेहतर जानते हैं, वो शेर भी हो सकता है, वो चूहा भी हो सकता है। नहीं चूहा नहीं होगा, ना 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 ना, इस पे वो कायम है कि होगा शेर ही, चूहे का काम नहीं है भाजी। वैसे ये बताओ, आपको ये शो कितना पसंद है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ बातचीत करने में मजा आता है, क्योंकि ये बहुत With it है। जब आप गेस्ट होती हैं हमें भी बहुत मजा आता। थैंक यू। मारवी भाई ये बताइए, यू बिकेम अ बैंकर, और बैंकिंग से पॉलिटिक्स एक ऐसा शिफ्ट होता है जो कि आप, आई डोंट थिंक, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग आए, कुछ बैंकिंग से आए, कुछ इंजीनियरिंग से आए, तो कुछ वो होते हैं यूनी शौकत अजीज मोइन कुरैशी साहब की एज में जहाँ पे लाए जाते हैं। आप तो बहुत यंग थी अभी इस किस्म के शिफ्ट के लिए, क्या क्या आई थिंक इट्स गुड टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर यू कम इनटू पॉलिटिक्स, में आने से पहले डिफरेंट एक्सपीरियंस की। यू ऑलवेज वांटेड टू कम इनटू पॉलिटिक्स? मैंने तो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा था और मैं समझी थी कि मैंने जर्नलिज्म करना है, फिर वो जर्नलिज्म से बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से सियासत हो गया, तो बस जो अल्लाह साईं बेहतर लगता। ये बताइए काफ लीग में ऐसा क्या नहीं है जो कि नून लीग में है अदर देन मारवी मेमन? काफ लीग की एक फेटल मिस्टेक्स थी कुछ, उनकी कंसिस्टेंसीज नहीं थी जो उन्होंने जाके पीपल्स पार्टी को जाके ज्वाइन किया था, जिसके बेसिस पे मैंने अपनी सीट गिव अप की थी। मगर अभी हमें कुछ ऐसा लगता है देखने में कि ये जो मिसाक जमहूरियत हुआ पीपल्स पार्टी और नवाज लीग वाला भी, ना वो लोग पंजाब आते हैं और ना आप लोग सिंध जाते हैं, कोई ऐसी डील तो नहीं? ये गलत बात है, सिंध में बहुत नून लीग का वोट बैंक है और लोकल गवर्नमेंट में प्रूफ भी हुआ है, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने कैंपेनिंग की थी सिंध में, किसी और लीडर ने की ही नहीं है, जिस तरह की एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग उन्होंने की थी। व्हाट हैपेंड टू पीपल्स पार्टी इन पंजाब? ये तो आप उन्हीं से बेहतर पूछें। वैसे आप, यू आर, आई थिंक पार्टीज में जो है चेंजेस आती हैं, और जब वो कंसिस्टेंट नहीं होती तो फिर वो फिजल आउट हो जाती हैं। बल्दियाती इलेक्शन में तो बड़ा कमाल किया बाय इलेक्शंस, बल्दियाती सारे, बिकॉज रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जब आपकी गवर्नेंस अच्छी होती, आप लोग फिर से यास सादिक साहब फिर से जीत गए, बड़ा, मगर लास्ट टाइम उसी टाइम पे हम आए थे। जी बिल्कुल, और मैंने आपसे कहा था कि हम जीतेंगे। जी हमें पता था, क्योंकि मेरा बड़ा तजर्बा है, जब भी किसी को हमने वोट डाला वो नून लीग के गले से ही निकला। जी आपने चांद सितारे एक से हैं, सब सियासतदान हमारे एक से हैं, सब फसाइल हैं बहरानों की इज्जत में, गोया के सारे खसारे एक से हैं, रोटी कपड़ा इनकलाब और तब्दीली, देखो तो ये सारे नारे एक से हैं। दीपिका पेडुकोन, वेलकम बैक। मारवी, एक अभी बड़ी रीसेंट एक डेवलपमेंट हुई जिसपे पाकिस्तान भी, मीडिया पागल हो गया, खैर आवाम भी बड़ी सरप्राइज हुई, और ग्लैडली सरप्राइज कि मोदी साहब जो आ गए, एकदम फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में सोता हुआ जाऊंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये आपको मुबारकबाद देती हूँ, मौका बड़ा जबरदस्त था। 25 को कायद आजम की सालगिरह, 25 को मियां साहब की भी सालगिरह जी, और वहाँ एक शादी मेहंदी भी चल रही थी, वो तो खैर उनकी फैमिली की मेहंदी थी, मगर ये जो उन्होंने सालगिरह एक तीर से दो शिकार किए, आपके ख्याल में ये क्या उन्होंने हरकत की? इसको हरकत ना कहे, जुर्रत कहे। ये एक अच्छा डिप्लोमेटिक मूव था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से मियां साहब लाहौर से उड़े और इस्लामाबाद जाते ही हैं, तो लाहौर से उड़े और एकदम वो कहें कि एम जरा चंडीगढ़ होके चलो, और मियां साहब वहां से फिर कर आ जाए, तो उनको आइडिया क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे जब मोदी साहब की स्वेयरिंग इन थी। जी जी जी, तो वो पहल कर चुके थे, और पाकिस्तान की एक डिग्निफाइड पॉलिसी है, और वो एक डिग्निफाइड पॉलिसी होगी। इंडिया डिडंट हैव दैट, व्हिच इज व्हाई दे लैंडेड ऑल ऑफ अ सडन। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि वो आए, हमने उनका खैर मकदम किया, और इस तरह की विजिट्स होनी चाहिए ताकि ये जो मामला दोनों मुल्कों के बीच में है ये सुलझे, उलझे नहीं। मुझे ये बताइए कि आपको क्यों बताएं ऐसे सोते हैं? सखावत नाथ साहब को ये बताइए कि ये जो अभी मैं जिक्र साहब कहते हुए आपके दिल में सच्चाई नहीं थी। ब्रिलियंट, सखावत नाज साहब को आप प्लीज ये बताइए, अब है सच्चाई थोड़ी थोड़ी।
کہ ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ اس طرح کے سکیمز آتے ہیں خاص طور پہ یہ بے نظیر لیکن یہ جو سکیم کی جو آپ بات کر رہے تھے نا شروع میں یہ نمبرز ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں ہم ایف آئی اے کو بتاتے ہیں پی ٹی اے کو بتاتے ہیں پھر ان کو جو ہے نیپ کیا جاتا ہے کوئی کیمپین اگر آپ کوئی کریں بتانے کے لیے لوگوں کو کہ یار یہ نہ کریے گا ہم نے ایس ایم ایس بھی چلائیں اپنے ہم رہتے ہیں اس پہ کام اور تھینک یو فار دا کلیئرفیکیشن آپ لوگ بھی دھیان رکھیں کہ آپ کو اس قسم کے میسجز آتے ہیں تو پلیز اس فراڈ کے اندر نہ آئیے گا آپ اس موقع